सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं कुछ अपने फेस को इस तरह से गोरा। ऑटोडेस ऐप की मदद से हम फेस को गोरा करने वाले हैं और अपनी स्किन को भी स्मूथिंग करने वाले हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा फेस जो है गोरा हो रहा है और हमारी स्किन भी देखो कितनी अच्छी तरीके से स्मूथिंग हो चुकी है एडिटिंग के बाद। सो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी फोटो किस तरह से हमारी होती है। सो यहाँ से मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लूँगा और कुछ इस तरीके से हमारी पूरी फोटो जो है एडिट होने वाली है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लगती है हमारी फ़ोटो एडिट होने के बाद। सो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके भी, देख सकते हैं गाइस किस तरह से हमारी पूरी फ़ोटो जो है एडिट होने वाली है। हमारी स्किन बिल्कुल भी फट नहीं रही है, एकदम HD में हमारी स्किन स्मूथ हो चुकी है। बाकी हमारा क्लिप का कलर भी चेंज हो चुका है, इस तरह से लिप भी बनानी है गाइस। सो गाइस, आपको भी ऐसी एडिटिंग सीखनी है तो वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आप समझ पाएंगे कि इस तरह की एडिटिंग कैसे करते हैं। सो चलिए, ज़्यादा देरी किए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले हमारी ओरिजिनल फोटो को हमें यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर शेयर कर लेना होगा। पहले हम लाइटरूम में एडिट करते थे, लेकिन इस बार हम सीधा ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर ही एडिट करेंगे। सबसे पहले तो हमारी स्किन को हमें स्मूथ कर लेना होगा। स्किन को स्मूथ करने के लिए सिंपल सा पेंसिल वाला आइकन पर हमें क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आकर हमें स्मूथ में आ जाना है और हर बार जो हम ब्रश यूज़ करते हैं यूसी ब्रश को हमें सिलेक्ट कर लेना होगा यहाँ से। देन उसकी सेटिंग को आप देख लीजिए, फ्लो है ना उसको हमें 5 पर रखना होगा और ट्रेंथ है उसको भी हमें 5 पर सेट कर देना होगा। 5 रखना है ट्रेंथ को भी अब, ठीक है। और साइज़ को तो आपको पता ही है, अपने फ़ोटो के हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से बैक आ जाना है और कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो पर जूम कर लेना है और बिल्कुल ही हल्के हाथों से अपने फेस पर इस ब्रश को हमें चला देना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलाना है जिससे हमारे फेस पर काला धब्बा ना आए और फेस के एंगल को चेंज करके स्मूथिंग करिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से स्मूथिंग कर पाएंगे। और जहाँ पर जैसा हो वैसे ही स्मूथिंग करिएगा। मान लीजिए यहाँ पर काला है तो उसी काले में हमें स्मूथिंग करना होगा और जहाँ पर वाइट है तो उसी वाइट में हमें स्मूथिंग करना होगा, जिससे हमारे फेस पर काला धब्बा और वाइट बिल्कुल भी ना आए। देख सकते हैं यहाँ पर वाइट है तो सिंपल सा मैंने वाइट में ही स्मूथिंग किया है। कुछ इस तरीके से स्मूथिंग करना होगा आपको भी। तो चलिए मैं जल्दी से पूरे फेस को स्मूथिंग कर लेता हूँ। हमारी स्किन तो हो चुकी है स्मूथ, देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से हमारी स्किन जो है स्मूथ हो चुकी है, लेकिन बहुत लाइट नहीं दे रही है इसलिए हम इसमें थोड़ी सी लाइटिंग ऐड करेंगे, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ हमें क्लियर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके क्लियर बना देना होगा, ठीक है। उसी क्लियर में हमें चले जाना होगा और उसके ब्रांडिंग मोड में चले जाना है और उसको कर देना है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट कर देना है यहाँ से। अभी यहाँ से हमें बैक आ जाना होगा। बैक आ जाने के बाद सिंपल सा हमने जो लेयर बनाया था उस पर फिर से हमें टच करना होगा और नीचे कलर लेबल लिखा है ना उस पर हमें क्लिक कर देना होगा और यहाँ से हमें ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल सा पेंसिल वाला आइकन पर हमें क्लिक कर देना होगा। लाइब्रेरी में आ जाना है और ये वाला ब्रश है ना गाइस उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। डिज़ाइनर में आकर ये वाला ब्रश, ठीक है। इसकी सेटिंग आप देख लीजिए, इन तीनों को हमें 100 रखना है और साइज़ को आपके फेस के साइज़ के बराबर रखिएगा और इसको आपको 0 पर कर देना है, ठीक है। इसको हमें 0 पर कर देना होगा और साइज़ को आपके फेस के साइज़ के बराबर सेट कर लीजिएगा। अभी इस ब्रश को हमें हमारे फेस पर चला देना होगा। सॉरी गाइस, पहले तो हमें कलर सिलेक्ट कर लेना होगा। हमारे फेस पर जो ओरिजिनल कलर है उस कलर को हमें सिलेक्ट कर लेना होगा यहाँ से। देन हमारे चमड़ी का जैसा कलर होता है वैसा ही हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हमें इस ब्रश को चला देना होगा, ठीक है। जहाँ पर हमारी स्किन दिख रही है वहाँ पर इस ब्रश को हमें चलाना होगा ताकि हमारे स्किन में लाइटिंग आ जाए। चलिए मैं जल्दी से पूरी स्किन पर इस ब्रश को चला देता हूँ। हमारी स्किन में कलर तो ऐड हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बेकार लग रही है हमारी फोटो। इसको हमें मैनेज करना होगा। यहाँ लेयर पर क्लिक कर देना है और हमने जो लेयर बनाए थे उसमें चले जाना है और यहाँ से उसकी ओपासिटी को हमें हल्का सा कम कर देना होगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से ओपासिटी को सेट करिएगा। देन देख सकते हैं किस तरह से अपने फेस में लाइटिंग आ चुकी है।
इतना रखना है, ठीक है गाइस। सो अभी हमें यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ से इसकी वाइट लाइट है ना, उसको हमें इंक्रीज कर लेना है इतना, ठीक है। हल्का सा रेड कलर को भी हमें इंक्रीज कर लेना होगा, और इसकी वही है ना उसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, जिससे हमारी स्किन में हल्का सा येलो कलर ऐड हो जाएगा। देन यहाँ से हमें डन कर देना होगा अभी। सो डन करने के बाद सिंपल सा फिर से उसी लेयर में चले जाना है। इस बार हमें कलर बैलेंस लिखा है उस पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पर क्लिक करके इसे शाडो हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। सो इसमें थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर हम ऐड करने वाले हैं, शाडो हल्का सा रेड देने वाले हैं, और हल्का सा ये कलर भी ऐड करेंगे, और इसको हल्का सा डिक्रीज कर देना है येलो कलर को इतना, ठीक है। सो अब लग रही है हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया, यहाँ से डन कर लेना होगा। सो सिंपल सा इसी लेयर में फिर से आ जाना है, हल्की सी ओपेसिटी को हमें कम कर देना होगा। सो आप देख सकते हैं अभी लग रही है हमारी स्किन ओरिजिनल कलर में, बहुत ही बढ़िया लग रही है अब हमारी स्किन। सो गाइस हमारी स्किन तो हो चुकी है ओरिजिनल कलर में ऐड, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे शेप में नीचे जो स्किन है उसमें ओरिजिनल कलर नहीं है, उसको हम एडिट करेंगे। सो उसके लिए तो यहाँ लेयर पर हमें क्लिक कर देना होगा, और एक नया लेयर हमें बना देना है यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। सो अभी गाइस उस लेयर में हमें चला जाना होगा, और उसके ब्रांडिंग मोड है ना उसको हमें सॉफ्ट ऐड कर देना होगा। फिर यहाँ से बैक आ जाना है, और हल्की सी ओपेसिटी को भी हमें यहाँ से कम कर लेना होगा। देन यहाँ से बैक आ जाना है, ब्रश को हमें वहीं रखना है, वहीं सेटिंग है, और कलर को भी हमें सेम रखना है। सो इस ब्रश को हमें चला देना होगा, जहाँ पर हमारा कलर मैनेज नहीं हुआ है वहाँ पर इस ब्रश को हमें चला देना है, ठीक है। सो गाइस हमारे शेप में अभी कलर ऐड हो चुका है। सो अभी गाइस हमारी लिप पर हमें कलर ऐड करना होगा। सो उसके लिए तो यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर हमें चले जाना है, और एक और नया लेयर बना देना है, ठीक है। और उसके ब्रांडिंग मोड में हमें चले जाना होगा, इसको भी हमें यहाँ से सॉफ्ट ऐड कर देना है। फिर यहाँ से बैक आ जाना है। सो गाइस इस बार हमें ब्रश को चेंज करना होगा, लाइब्रेरी में आ जाना होगा। सो इस बार हमें ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाना है, और कलर को आपको जैसा कलर ऐड करना हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं सिंपल सा यहाँ रेड वाला कलर ऐड कर रहा हूँ, आपको जैसा चाहिए वैसा कलर ऐड कर लेना। और गाइस हमारे लिप पर इस कलर को हमें ऐड कर लेना होगा, ठीक है। सो चलिए मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ। सो गाइस हमारे लिप पर कलर तो ऐड हो चुका है, लेकिन बहुत ही बेकार लग रहा है। सो उसके लेयर पे हमें चले जाना होगा, और यहाँ से उसकी ओपेसिटी को हमें कम कर देना होगा, ठीक है, जिससे हमारे लिप का कलर बहुत ज़्यादा ना लगे और हमारे फोटो में लेवल हो जाए, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी पूरी फोटो जो है ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर एडिट हो चुकी है। कुछ इस तरीके से आपको भी अपनी फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर एडिट कर लेनी होगी। सो इतना करने के बाद सिंपल सा इस फोटो को हमें सेव कर लेना होगा। सो सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, गैलरी में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस इस फोटो को हमें यहाँ शेयर पर क्लिक करके लाइटरूम में शेयर कर देना होगा। सो गाइस हमने आपको जैसे थंबनेल में फोटो दिखाई थी वैसे करके दिखाएंगे। तो इस फोटो का फाइनल स्टेप हमारा लाइटरूम में होने वाला है। तो गाइस हम आ चुके हैं लाइटरूम के अंदर। सो हमारी फोटो ये देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो है कैसी है। इसको गाइस हम एक प्रीसेट की मदद से एडिट करेंगे जो मैंने खुद से बनाई है। मैंने पहले ही वर्क करके एक प्रीसेट बना ली थी, उसकी सेटिंग को हमें कॉपी करके इस फोटो में एडिट करना होगा। क्योंकि गाइस हमारा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये काम एक प्रीसेट में ऐड कर लिया था। सो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रीसेट। तो गाइस ये है वो प्रीसेट, देख सकते हैं सारा वर्क मैंने किया हुआ है, सिंपल सा कलर वगैरह सब मैंने एडिट किया हुआ है इसमें। सो गाइस इसकी सेटिंग को हमें कॉपी करके उस फोटो में एडिट करना होगा। तो गाइस आप इस प्रीसेट को यूज़ करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। सो गाइस इसकी सेटिंग को हमें अभी कॉपी कर लेना होगा। देन उसके लिए यहाँ थ्री डॉट दिख रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से हमें इसकी सेटिंग को कर लेना है कॉपी। सिंपल से यहाँ डन पर हमें क्लिक कर देना होगा, पहले तो इन दोनों को हमें अलाउ कर देना होगा, फिर यहाँ से डन कर देना होगा, ठीक है। तो अभी हमें आ जाना होगा जिस फोटो को हमें एडिट करना है उसमें। सो हम आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ भी यहाँ पर हमने एडिट नहीं किया है, जैसे हमारी ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर से सेव की थी वैसी ही फोटो है। सो गाइस इसमें हम उस सेटिंग को यहाँ पर हमें पेस्ट करना होगा। देन उसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पेस्ट सेटिंग पर क्लिक करके ही हमारी पूरी फोटो जो है एक ही क्लिक में एडिट हो जाएगी। लोडिंग ले रहा है गाइस, देख सकते हैं किस तरह से हमारी सेटिंग आ चुकी है, किस तरह से हमने एडिट किया था वो आ रहा है धीरे धीरे करके। सो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हमारी पूरी फोटो जो है कितनी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है हमारी फ़ोटो, जैसी हमने आपको थंबनेल में दिखाई है वैसी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सो गाइस आज की एडिटिंग यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा गाइस,
जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो चलिए गाइस मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।